मुझे चाहिए आधा किलो चिकन क्यूब्स बोनलेस, ठीक है। अब हमें एक मसाला पीसना है, उस मसाले को भून के पीसना है। क्या क्या लिया है मैंने? 4-5 साबुत बघार वाली गोल मिर्चें, 6 काजू या बादाम, अगर बादाम ले रहे हैं तो छिलका उतार के, काजू ले रहे हैं तो नमकीन नहीं चाहिए, सादे काजू, लौंग 4 और 4 छोटी इलायची छिलकों समेत, एक छोटी सी स्टिक दालचीनी की। ये सब को आपने तवे पे भूनना है और पीसना है। फिर 2 टमाटर आप लेंगे, 2 टमाटर को आप अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिएगा। ये 2 टमाटर ब्लेंड किए हुए हैं और ये मसाला मेरा मिर्चों वाला पिसा हुआ है, ठीक है। इतना ही बनेगा जितना लिखा हुआ है और ये पूरा अंदर जाएगा। अब मुझे करना क्या है, तेल लेंगे हम इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, क्वार्टर कप, इसमें जाएंगे साबुत गरम मसाले मिक्स, थोड़े से 2-3 काली मिर्च, 2-3 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा छोटा सा, ठीक है, 1-2 छोटी इलायची, चला गया। साथ में आप इसमें शामिल कर दीजिए चिकन क्यूब्स और इसको आपको अच्छी तरह से फ्राई करना है। पांच मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे, जब तक कि ये चिकन पिंक से वाइट ना हो जाए। फिर हम इसमें ड्राई मसाले डाल रहे हैं, हल्दी 1/2 टीस्पून, चिली पाउडर 2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, जीरा भुना हुआ कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच। पांचों मसाले जाएंगे, हल्दी 1/2 चाय का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर 2 चाय के चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा 1 चाय का चम्मच और नमक 1 चाय का चम्मच। अब आप देखें, नमक, एक चाय का चम्मच, धनिया और जीरा, कुटावा धनिया, भुनावा कुटावा 1 चाय का चम्मच, धनिया भुनावा कुटावा 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर लिखा हुआ 2 है, मैं नहीं डाल रही 2 बिकॉज इसमें भी लाल मिर्च हैं, ठीक है, मैं 1 ही डाल रही हूँ, आप सही कर लो। अगर आपको ज़्यादा तेज़ पसंद है तो फिर 2 रहने दो, वरना 1 का। ये उन लोगों के लिए है, वर्किंग वुमेंस के लिए जो घर आती हैं थकी थकाई, दिल नहीं कर रहा होता, सुबह जब जाते हैं काम पे तो फ्रीज़र में से चिकन निकाल के फ्रिज में रख के चले जाओ, शाम में आके इसको 10 मिनट में पका लो। अब इसमें मैं डालूंगी ये मसाला जो हमने भून के पीसा था, इसमें था बटन रेड चिलीज 4, ये वाली, ठीक है, ये 4 मिर्चें थी, इसको भून लिया और एक तरफ रख दिया, फिर 6 काजू या 6 बादाम, 4 लौंग, 4 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का स्टिक, सबको भून के अलग अलग पीसना है। ये चला गया पूरा, इसके बाद आप इसमें शामिल कर देंगे 2 टमाटर ब्लेंड किए हुए,
क्या खुशबू आई है मसाले में से। ठीक है, सारे मसाले डल गए, भुनावा पिसावा मसाला चला गया, टमाटर चले गए। अब इसमें जा रहा है 2 टेबलस्पून लाल प्याज पिसी। बस चूल्हा इसका कवर करें, इसको हल्की आंच पे इसको पकाएं जब तक कि हमारी चिकन गल जाए, तेल ऊपर आ जाए, धनिया डालेंगे और आपको पेश करेंगे। बताइए, खाना पकाना मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं। हमारी चिकन हंगामा बोनलेस चिकन ग्रेवी रेडी हो चुकी है। देखें, अगर आपको हमारा कैमरा ऊपर से दिखाएगा तो तेल ऊपर आ चुका है, चिकन टेंडर है, हम धनिया डाल चुके हैं। इसको आप तंदूरी नान के साथ सर्व कीजिए। चलें,